आज अभी हमने आना सागर के एक गेट 10 इंच का खोला है और इससे ही हम जो आना सागर में हमारी चादर चल रही है 2 फुट 1 इंच की उसको लोअर डाउन करेंगे। साथ ही साथ फॉय सागर में पीछे से जो पानी आ रहा है वो भी 9 फुट 9 इंच ऊपर चल रहा है। ये सारा पानी इस गेट के माध्यम से आज अभी हमने आना सागर के एक गेट 10 इंच का खोला है और इससे ही हम जो आना सागर में हमारी चादर चल रही है 2 फुट 1 इंच की उसको लोअर डाउन करेंगे। साथ ही साथ फॉय सागर में पीछे से जो पानी आ रहा है वो भी 9 फुट 9 इंच ऊपर चल रहा है। ये सारा पानी इस गेट के माध्यम से हम निकाल करके नीचे खानपुरा तालाब पे डाइवर्ट कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम, हमारी नगर निगम की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की पूरा असेसमेंट करने के उपरांत हमने ये निर्णय लिया है। एक्सपेक्टेशन है कि बाय एंड ऑफ द डे हमारा पानी का स्तर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे अगर देर रात या अर्ली मॉर्निंग बारिश आती है तो उससे लोगों को असुविधा ना हो, असहूलियत ना हो और हमारी रास्ते नहीं कटे, किसी घरों में पानी भरे ना, इस सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। अभी एक गेट 10 इंच के लिए हमने खोला है जी, बिल्कुल। ये जैसे आपको जानकारी है, जब भी हम आना सागर की गेट्स खोलते हैं, जब लेवल ऑलरेडी ऊपर होता है, तब हम ये इस पर्टिकुलर रोड का जो यातायात है उसको अवरोध करके और रोड के ऊपर से पानी निकालते हैं, क्योंकि ये पहला बॉटल नेक है। इसके उपरांत जो भी एस्केप चैनल है वो बड़ा है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, बट यहाँ से हमें ये डाइवर्जन करना पड़ता है, जैसे कि कहीं यहाँ पर पानी जगह जगह लोगों के घरों में न जाए। इसे दोनों तरफ से गड्ढे लगा करके पानी को एक चैनल दिया जाता है, उसके उपरांत तो फिर ये एस्केप चैनल में जा करके अपना रूट ले लेता है। थैंक यू।